मर्दों की बात है औरतों की नहीं, कि क्योंकि सेलफोन मर्दों के पास भी है औरतों के पास भी है। ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अमीर लोगों का प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों का नहीं है, क्योंकि आज सेलफोन मतलब छोटे से छोटे घर में है, घर के सदस्यों के पास है, एंड राइटफुली सो। इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ फैंटास्टिक पीस टूल फॉर कम्युनिकेशन। इससे जानकारी दुनिया भर की आपकी फ़ोन पे आ जाती है, बट वे जस्ट सेइंग कैन दिस बी यूज्ड सेफली। इस टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सेफ बना दें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड आर रिक्वेस्ट टू द इंडस्ट्री वुड बी कि दीज एंटेनास, दिस वाईफाई सिस्टम दैट वी हैव, कैन दिस बी फर्दर स्मार्टन टू बी सेफ फॉर अस। They themselves will start waking up for themselves. Then you won't have just three people sitting here and talking to you. Your whole community will wake up and they will pressurize the government to seriously take some action. But we don't want this to take years. ऐसा नहीं हो सालों लग जाए। हम लोग data collect कर रहे हैं कि इसके कान के you know like they said इसके कान की सुनने की क्षमता गुम हो गई, दूसरे के बच्चे नहीं हो रहे हैं, छोटे बच्चों को ट्यूमर्स हो रहे हैं, कान में हो रहे हैं, इधर दांत में हो रहे हैं, ये सब कलेक्ट करते करते साल ना निकल जाए, बहुत सारे लोगों की जान ना निकल जाए, और तब हम लोग बोले अरे यार या क्यों नहीं। तो जो कल कर सकते ना आज कर ले, और जो आज कर ले तो वो तो अभी कर ले। थर्ड एडिशन यहाँ पर लॉन्च कर रही हैं, आज आपके सामने हमने खोला है, अब ये यहाँ पर इंडिया में भी मिलेगी। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, कैसे ये मोबाइल कमर्शियल होता गया, आज किस तरह यूज इस्तेमाल हो रहा है, और इससे क्यों बचना चाहिए। कि आप मेरी बात सुनिए, इससे सावधान रहिए, इसको फेंके मत, मगर इसको खिलौने की तरह इस्तेमाल भी मत। थैंक यू सो मच।